मध्य प्रदेश के रायसेन के जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 292 लाख की लागत से निर्मित दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र भवन का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगजनों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भवन में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण समेत अनेक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सुविधाओं के लिए अनेकों योजनाएँ संचालित कर रही है। आज निःशक्त जन पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण हम लोगों ने किया है, जिसकी लागत 2,92,93,000 रुपये है। ये पुनर्वास केंद्र बनकर तैयार हुआ है, जिससे हमारे ज़िले के जो दिव्यांग जन हैं उनका यहाँ इलाज भी किया जाएगा, फिजियोथेरेपी और उनकी जो सहायता होती है वो पूरी सहायता इस केंद्र के माध्यम से करेंगे। और साथ में हम लोगों ने अभी दो इलाकों के रायसेन नगर सहित हमारे गैरतगंज और सांची के जो हमारे दिव्यांगजन थे, जिनके लिए किसी को मोटर वाली ट्राई साइकिल, किसी को साइकिल